आपकी दोस्त और होस्ट नेहा बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। हाय फ्रेंड्स, राइट मिरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी शुभ्रा रॉय और आज हम मिलने वाले हैं वर्ल्ड के ऐसे डॉक्टर से जो बिना मेडिसिन के मेंटल पेशेंट को ठीक करते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी परिचय और उनका काम। डॉक्टर सर, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। वैसे हमने जितना सुना है आपके बारे में कि आप बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करते हैं, तो सच में पेशेंट को बिना मेडिसिन के ठीक करते हैं या कहीं पे कुछ खिलाते पिलाते हैं, जब गेस्ट आते हैं जो उनको बुलाते हैं चाय पानी उसके साथ मिला के कुछ खिलाते पिलाते क्या करते क्या, हम भी जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, सच में मैं ये सारी बीमारी को बगैर दवाई के ठीक करता हूँ और मैं रियली सरप्राइज हूँ कि पिछले 100 साल से इन लोगों को दवाई क्यों दी जाती है। और मेरा रिसर्च बताता है कि इनको दवाई दी जाती है ठीक करने के लिए नहीं, खाली इनको सुलाने के लिए, इनके नशे कमज़ोर करने के लिए, इनको लेथार्जिक बनाने के लिए खाली दवाई दी जाती है। कोई भी दवाई वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो इनको ठीक कर सके और ना आगे के 100 साल में ऐसी कोई दवाई बनेगी कि मेंटल पेशेंट को ठीक कर सके। ये बीमारी बेसिकली साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर है जिसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है। जैसे अगर आपको थोड़ा और एक्सपांड करूँ तो कि एक है बॉडी और एक है माइंड, जैसे एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर, तो माइंड को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं और सॉफ्टवेयर को कोई दवाई लगती नहीं है। हाँ, वायरस आ गए हैं, इनके माइंड में डाउट है, फियर है, वो हमको निकालने हैं इनके, इसमें दवाई का कोई रोल नहीं है। सर, बात करते हैं हम मेंटली की और जो डिजास्टर होते हैं तो वो कहीं पे फ्रस्ट्रेशंस के वजह से आते हैं, हमने देखे, तो आपकी आपको क्या लगता है किस चीज़ से ये फ्रस्ट्रेशन आते हैं या क्या नहीं, क्या करना चाहिए उनके फैमिली को? आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, मैं एक ही आंसर देता हूँ। पहले आपने बोला कि ये बीमारी फ्रस्ट्रेशन आती है, एकदम राइट है। ये बीमारी के कम 100-200 कारण है, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का, जिसके कारण आती है। और ये फ्रस्ट्रेशन हम बहुत आसानी से निकाल देते हैं लोगों का, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आता है खाली एक्सपेक्टेशन से। इनकी कुछ उम्मीद रहती है लोगों से और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है। अब वो समझते नहीं है कि हो सकता है वो तैयार ही नहीं हो वो चीज़ के लिए, लायक ही नहीं हो कि वो चीज़ उनको मिलनी चाहिए। बहुत सी चीज़ होती है बट फ्रस्ट्रेशन निकाला जा सकता है लोगों का। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि उनके फैमिली को क्या करना चाहिए। उनके फैमिली को उनका दुख दर्द समझना चाहिए, जरूरी सब उनके एक्सपेक्टेशन पूरी करें, मगर उनके दुख दर्द उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बर सब बात आती है फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि अभी के जो लाइफ है उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशंस रहते हैं। बेसिकली अगर फ्रस्ट्रेशन में किस टाइप की फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे बहुत लोगों को कभी आप जैसे बोल रहे थे अभी कुछ टाइम कि किसी के दिल टूटने से, या मोस्टली बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन है किसी को इकोनॉमिक्स, तो उस एक्चुअली कौन से ऐसी फ्रस्ट्रेशन रहते हैं जिसके वजह से लोग मेंटल डिजाइड में चले जाते हैं? ऐसा बोलना मुश्किल है, मगर एक चीज़ है कि अगर आप कुछ से भी किसी से भी कुछ उम्मीद करोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये उम्मीद करना ही गलत है। मैं बोलूँगा संभावना में जियो, संभावना में जियो कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करेंगे, संभावना में जियो कि आप जो लड़के से प्यार करते हो, जो लड़की से प्यार करते हो वो आपका सक्सेसफुल होएगा। संभावना में जीना ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत एक्सपेक्टेशन करने का। इस मेंटल बीमारी का कारण क्या है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी तक का ज़्यादातर लोगों को सोचना था कि मेंटल बीमारी दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया है उसके कारण होती है और दिमाग ही कारण समझा जा रहा था। मैं बोलूँगा 40% कारण दिमाग है, वीक दिमाग है, जिसका भी माइंड वीक हो जाता है उसको बीमारी आती है, मगर मोर देन अराउंड 60% कारण इसका है दिल टूट जाना। जब लोगों का रिलेशनशिप में दिल टूट जाता है तभी बीमारी आती है। सर, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं उसमें कौन से बीमारी आते हैं उसके अंडर में, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ओके, मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना दूंगा क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। ADHD, अल्कोहलिक, अल्जाइमर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंगर वॉयलेंस, अर्थराइटिस, अस्थमा, ऑटिज़म, बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, सेलेबल पास्मी, डिप्रेशन, डिसलेक्सिया, ड्रग एडिक्ट, एपिलेप्सी, फियर फोबिया, इंसोमनिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड,
माइग्रेन, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर, पैरालिसिस, पार्किंसन, रिबल स्टब बाउंड चाइल्ड, सुसाइडल थॉट, ऐसे 100 से ज़्यादा बीमारी है जो मेंटल पेशेंट की कैटेगरी में आ सकती है. सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसे इम्पोटेंसी, होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बिनिज्म, ये सारी मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आती है. भारत में कितने परसेंट लोग मेंटली जो होते हैं, कितने परसेंट लोग हैं ऐसे? मेरा अनुमान है 30% से ज़्यादा लोग मेंटली डिस्टर्ब है. जिसको भी तनाव है कोई भी चीज़ का, उसको हम लोग मेंटल डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में लेते हैं. और टेंशन तो आज के दिन सबको है. तो सर हम जानना चाहें, जैसे आपने बोल कि आप बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करते हैं, तो ऐसा क्या है आपके ट्रिक में, हम भी जानना चाहेंगे क्या स्पेशलिटी है और आप किस तरह से काम करते हैं इसमें और कितने साल की रिसर्च है? हाँ, इसमें मेरी 25 साल से ज़्यादा की रिसर्च है ये ट्रीटमेंट में. और मैंने काफ़ी थेरेपी डेवलप की है, अंदाज से 50 से ज़्यादा थेरेपी डेवलप की है मैंने. और हर पेशेंट को अलग थेरेपी लगती है, मगर 60% थेरेपी करीब करीब कॉमन रहती है. क्योंकि ये सब बीमारी के पीछे जो रूट कॉज है वो फियर है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, एक्सेस थिंकिंग है, इंसोम्निया है, ऐसे मतलब 50 स्टैंडर्ड चीज़ें जो सब बीमारी के पीछे आती है. और मैंने कला जान ली है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं किसी के माइंड में से, किसी के बॉडी में से, और हम लोग निकालने में सक्सेसफुल हो गए हैं. जहाँ तक थेरेपी की बात है, अब ये स्टेज पर हम लोग बताना नहीं चाहते हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है और अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ. मगर मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ सबके सामने करता हूँ, और फैमिली के सामने ट्रीटमेंट करता हूँ मैं सबका ऐसा. सर जो पेशेंट आते हैं आपके पास, वो क्या आपके साथ उतनी ही कोऑपरेट करते हैं जितने आप चाहते हैं? हाँ, पेशेंट से हमको खाली इतने कोऑपरेशन चाहिए कि हमारे पास बैठे, हमारी बातें सुने, और हम जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देवे, और उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो हमको शेयर करे. और पेशेंट्स का कोऑपरेशन मैं 3 घंटे में ले लेता हूँ, 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगता है पेशेंट का कोऑपरेशन में. हमको डिफ़िकल्टी आती है उनके पेरेंट्स से, उनके फैमिली मेम्बर से, उनका कोऑपरेशन में टच जीतने में हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. मिनिमम आप मतलब कोई आप 3 दिन या कोई कितने डेज का ये ट्रीटमेंट होता है बेसिकली आप? इसमें हमारे क्या स्टेजेस रहते हैं. फर्स्ट स्टेज में पेशेंट्स को उसके फैमिली मेम्बर के साथ बुलाता हूँ, जितने फैमिली मेम्बर आना चाहे आ सकते हैं. वो 1 से 2 घंटे का सेशन रहता है, उसमें सबका फेस रीडिंग किया जाता है, सबका माइंड मैपिंग टेस्ट लिया जाता है, और सबसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके बाद में हम लोगों को या तो 3 दिन का सेशन बुलाते हैं या 10 दिन का सेशन बुलाते हैं. और ये प्रोग्राम रेसिडेंट होता है, क्योंकि दिन में करीब करीब हम लोग 10 घंटे का ट्रीटमेंट करते हैं. तो अगर छोटी बीमारी है तो हम लोग 3 दिन की बुलाते हैं, और कोई बड़ी बीमारी तो हम लोग 10 दिन की बुलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए. 10 दिन में रोज़ के रोज़ 10 घंटे के ट्रीटमेंट होते हैं. इसमें जो ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है उसमें हम खाली पेशेंट को अकेले बुलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए. सर बात अपने अभी कुछ रूट के किए, ये रूट का क्या है हम भी जानना चाहेंगे. हाँ. क्योंकि बेसिकली सबको पता नहीं होता है रूट्स के बारे में, तो हम भी जानना चाहेंगे रूट्स क्या होते हैं और हम किस तरह से काम करते हैं हमारी बॉडी में. क्या होता है कि हर चीज़ के पीछे कुछ बुनियादी कारण होती है. कोई हंसता है तो भी बुनियादी कारण है, कोई दुखी है तो भी बुनियादी कारण है. हम हर बीमारी के बुनियादी कारण पे जाते हैं कि ये बीमारी इसको आई कहाँ की, कैसे, क्या इसकी जड़ थी. तो हम लोग जड़ से बीमारी को देखते हैं और वहाँ से उसको ठीक करते हैं. और ज़्यादातर बीमारी का जड़ जो रहता है वो फियर, एंगर, डाउट, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब बीमारी के रूट कॉज रहते हैं. और ये बहुत ईजी है निकालना. तो सर इसको निकालने के लिए जैसे डेली लाइफ में, जैसे अगर आप बात करें, आपके पास तो आते ही है वो, बट घर पे भी कोई हल्का सा ट्रीटमेंट होना चाहिए, घर वाले को कैसे ट्रीट करना चाहिए उन लोगों को? मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बीमारी घर वालों के पार्टनरशिप में आई है. ये बीमारी में मदर, फादर और जो पेशेंट है, ये तीनों की पार्टनरशिप बीमारी आती है. तो उनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा उनका सुनेगा ही नहीं. वो जो बोलेंगे बच्चा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बात करेगा और कोऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो उनसे ही तो खफा है. तो
तो उनसे कोऑपरेट नहीं करेगा और हमसे वो लोग कोऑपरेट करते हैं, इसलिए हमारे पास ही आना चाहिए इनिशिएटिव। और जितनी जल्दी आते हैं उतने कम से समय लगता है इसको ठीक करने में, और जितना लेट करते हैं वो लोग आने में उतना समय ज़्यादा लगता है। दूसरा, जितना दवाई खा के आते हैं उतना समय हमको ज़्यादा लगता है, जितना कम सी दवाई खा के आते हैं हम उतना जल्दी उनको ठीक करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि कहीं पे दवाई का साइड इफेक्ट भी होते हैं इससे? दवाइयों का खाली साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। दवाइयाँ उसको सुलाती है खाली, उसके नसों को कमज़ोर करती है, उसको लेथार्जी करती है, उसकी मेमोरी ख़राब करती है। दवाइयों का खाली साइड इफेक्ट है। और दवाइयाँ खाली आदमी को ज़िंदा रखने में सक्सेसफुल हो गई है, मगर जिंदा लाश की तरह। दवाइयों का एक ही फ़ायदा है कि उसके घर वाले कुछ समय के लिए चैन से सो सकते हैं, और घर वालों को थोड़ा फ़ायदा है दवाई का। जो पेशेंट दवाई खाता है उसको दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ खाली बीमारी को दबाती है, ठीक नहीं करती है। सो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे ये बीमारी कितने साल से स्टार्ट होता है, कितने में जाके एंड होता है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। ये बीमारी माँ के पेट से भी आती है, कुछ बीमारी माँ के पेट से भी आती है, यानी पैदा होने से पहले से ये बीमारी की जड़ पर पकड़ लेते हैं। और ये बीमारी कोई भी उम्र आ सकती है, 65-70 उम्र तक भी कोई ना कोई मेंटलनेस की बीमारी आती है। तो क्या जो बड़े लोग तो होते हैं जिनको तकलीफ होते नहीं, क्योंकि बिकॉज वो बात कर सकते हैं, वो अपनी सच्चाई बोल सकते हैं, बट जो अब 3 साल के 2 साल के बच्चे आते हैं उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं, व कितनी तकलीफ होती है कभी आपको इस बारे में, इस चीज़ में? नहीं, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं बीमारी का रूट समझ गया हूँ। अभी जो छोटे बच्चे आते हैं, जो इनो 3 साल के बच्चे हमारे पास पेरेंट लेके आते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा पेरेंट से बात करते हैं, और पेरेंट से बात करते करते इनो बच्चा जो सुनता है, जो समझता है, और बच्चा रिस्पॉन्ड करता है उसमें। 3 साल के बच्चों को भी बीमारी आती है, हमने ठीक किया उसको, मगर ज़्यादा ट्रीटमेंट पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स के कारण ही बीमारी आई है। तो आज तक मतलब अपने 25 इयर्स के रिसर्च में आज तक कितने बीमारी ऐसे आपके पास आए, ऐसे केसेस कितने आए हैं आपके पास? अभी क्योंकि मैं अकेला हूँ, आज के दिन मैं पूरे साल में मैक्सिमम 100-150 केस ले सकता हूँ। और अभी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम लोग 1,00,000 लोगों को तैयार करेंगे लाइफ कोच बनने के लिए, ताकि हम ज़्यादा पेशेंट ले सकें। और हमारा टारगेट है कि हम एक साल में कम से कम 10 लाख पेशेंट्स को ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट 10 सालों में हर साल 10 लाख पेशेंट को ठीक करेंगे, क्योंकि 30% तो इंडिया में ही खाली मेंटल डिस्टर्बेंस है। अगर पूरा वर्ल्ड का देखें तो कितने लोग डिस्टर्ब होंगे। तो सर मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि आप इंडिया छोड़ के फॉरेन्स में भी जाने का सोच रहे हैं, आप पूरी वर्ल्ड में आप अपना जो ऑफिस है ये खोलना चाहते हैं? आज भी मेरे पास में ऐसी कोई कंट्री नहीं वर्ल्ड की जहाँ से इंक्वायरी नहीं आ रही है, और इंडिया में ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ से मेरे पास इंक्वायरी नहीं आ रही है सब बीमारी के लिए, क्योंकि आज के दिन मैं अकेला हूँ जो सब बीमारी को ठीक करता हूँ। इंक्वायरी बहुत आ रही है, अभी हमारी कैपेसिटी कमती है ठीक करने की, क्योंकि इसमें पूरा बोलने का काम है, और एक आदमी कितना बोल सकता है। सब बात करते, हमारे लिए भी शौक की बात है कि बिना मेडिसिन के आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या पेरेंट्स जब आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कभी करते कि आप कैसे ठीक करेंगे बिना मेडिसिन, कैसे हो सकते, कभी ऐसा क्वेश्चंस आपके सामने आए जिसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हुआ हो सॉल्व करने में? हाँ, हर इनिशियली ऐसा हुआ था कि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। लोग सोचते थे मैं जादू टोना करता हूँ, ताबीज़ का कुछ करता हूँ, जो पहले चलता आया था। तो लोग आते के साथ ही उनका पहला क्वेश्चन था, आप कैसे करोगे। अभी आज मेरी इतनी YouTube में वीडियो आ गई है, 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने मेरे YouTube में देख लिया है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़े कमती हो गए हैं, अभी थोड़ा उनको विश्वास आ गया है। और वो बाकी के भी न्यूज़ में लोग देखते हैं कि बॉडी अपने आप में रिकवर होती है, दवाइयों का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है, तो अभी थोड़ी जागरूकता ज़्यादा आ गई है और थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया है कि अगर ट्रीटमेंट करना है तो पहले बगैर दवाई के ट्राई करना चाहिए अपने को। मैं इनिशियली बहुत तकलीफ हुई थी। वैसे आज जितने स्ट्रगल आपने किया है और आज जो इतने सक्सेस है, आप इतनी कितनी खुशी है आपको इस बात का कि फाइनली जो मैं कर रहा हूँ उसमें कामयाब हुआ हूँ, तो इस बात की खुशी बताइए हमें। अरे क्या क्वेश्चन किया है, आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी आ रही है। ऐसा गर्व फील कर रहा है कि एटलीस्ट एक एरिया ऐसी है कि जो मैं लोगों को नई ज़िंदगी दे रहा हूँ, एक तरह से मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, लोगों को नई ज़िंदगी दे रहा हूँ। और जब उनके चेहरे पर हंसी दिखती है, उनको अपने सपने पूरे करने की जो उम्मीद दिखती है, बहुत खुशी मिलती है।
तो कई आप इसके आगे भी कुछ प्लान है आपके, कुछ आगे बढ़ने का या कोई सोशल कॉस्ट करने का कुछ आपके प्लान्स है तो हमें भी बताइए, हमसे भी शेयर कीजिए और अपने फैंस से भी शेयर कीजिए। हाँ, मेरे बहुत से सपने हैं। पहला, मैं मेरे जैसे 1,00,000 बच्चों को तैयार करना चाहता हूँ जो ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर सके। फिर मेरा है कि अभी मेरा 1,000 बेड का सेटअप आ रहा है 1 साल के अंदर। 10 साल में मेरा 50,000 बेड का सेटअप का प्लानिंग है, इसमें ले जाएंगे। हम लोग ओल्ड एज होम भी चालू करना चाहते हैं जिसमें 5,000 बेड का सेटअप करेंगे और उनको वो खुशी देंगे जो उनको अपनी लाइफ में नहीं मिली। अगर ऐसे लोग मेरे पास में अगर 2 साल भी रहते हैं ओल्ड एज पेशेंट, तो उनको इतनी खुशी देंगे हमारे पास रहने की कि उनको बहुत मज़ा आएगा जीने का। हम बच्चों का भी स्कूल चालू करना चाहते हैं, वो भी 5,000 बच्चों का सेटअप करते हैं रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें उनको लाइफ की ट्रेनिंग देंगे, लाइफ की स्किल देंगे, जैसे फियर, एंगर, डाउट, कन्फ्यूजन को कैसे कमती करना, कॉन्फिडेंस, करेज, कम्युनिकेशन पावर को कैसे बढ़ाना, जो रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ है वैसी हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं बच्चों को 10 साल की उम्र में। और हर पिन कोड पर भी हम लोग एक फ्रेंचाइजी मॉडल लाना चाहते हैं लाइफ स्कूल का, कि जिसमें 10 साल के बच्चे को भी कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, कैसे उसको होमवर्क अपने आप कर सके, ट्यूशन पे कैसे डिपेंडेंसी उसकी कमती हो, पेरेंट्स से कैसे वो खुल के बात करे, ये सब चीज़ की ट्रेनिंग प्लस उसको ट्यूशन, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग हर पिन कोड में एक यू नो फ्रेंचाइजी सेंटर लेके आ रहे हैं अभी हमारा। सर, ये फ्रेंचाइजी जो क्लब है इसमें क्या क्या रहेगा बेसिकली? मतलब आपने बोला एक ओल्ड एज होम तो रहेगा, स्कूल भी रहेंगे, और भी इसके साथ कोई जो आपकी बीमारी भी साथ साथ चालू रहे, आपकी जो ऑफिस है मेंटली जो वो भी चालू रहे, ऐसा? हाँ, कुछ हम लोग इसमें नेचर क्योर सेंटर अलग से भी करना चाहते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसका भी एक बड़ा सेंटर बनाएंगे, कि लाइफस्टाइल डिजीज खाली लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक होती है, दवाइयों उसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, केराटिन हाई होना, किडनी फेल होना, PCOD, थायराइड, ऐसी बहुत सी बीमारी है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोला जाता है, और ये बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक करनी चाहिए और सब बीमारी ठीक होती है। आज लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि डायबिटीज़ यानी गोली खानी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर यानी गोली खानी पड़ेगी, गलत है। 1 महीने के ट्रीटमेंट में ब्लड प्रेशर की गोली हमेशा के लिए छूट सकती है, एक से तीन महीने के ट्रीटमेंट में डायबिटीज की गोली हमेशा के लिए छूट सकती है। सो ये कब तक स्टार्ट होंगे आपके जो कॉन्सेप्ट है आगे की, कब तक स्टार्ट होने वाले हैं? नहीं, नेचर का सेंटर हमारा चालू हो चुका है, मेंटल हॉस्पिटल हमारा चालू हो सका है, जो बच्चों का स्कूल का जो है प्लस रेसिडेंट स्कूल का है और प्लस ओल्ड एज होम है, हम 2 साल मैक्सिमम उम्मीद करते हैं कि 2 साल में ये सेंटर आ जाएगा हमारा। सर, अगर आपसे किसी के मतलब आपके जो ऑफिस है या आपके जो ग्रुप है उसके साथ जोड़ने के लिए हमें कुछ तो मतलब कोई कॉन्टैक्ट या कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ है क्या आपके पास? हाँ, हमने भी क्या किया है, पेशेंट्स लोगों से कंटिन्यूस बात करने के लिए हर बीमारी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जैसे डिप्रेशन का ग्रुप है, बाइपोलर का ग्रुप है, सिज़ोफ्रेनिया का, ADHD का, हर बीमारी का हमने ग्रुप बनाया है ताकि वो ग्रुप ज्वाइन कर सके, दूसरों का भी ओपिनियन उसमें ले सकते हैं और हमारे बारे में हम कुछ कई फ्री ट्रेनिंग वहाँ पे उसमें डालते रहेंगे उनके एडुकेशन के लिए। और ये पूरा ये ग्रुप की मेंबरशिप फ्री है, कोई भी ज्वाइन जो बीमार है वो ज्वाइन कर सकता है या उनके फैमिली मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। सर, मतलब आपने व्हाट्सएप ग्रुप तो बना लिया है, तो इसमें ये ग्रुप में कहाँ कहाँ सर कितने इंसान जुड़े हुए हैं आपके साथ अभी तक? नहीं, ये हमारा भी बस 10 दिन पहले इनिशिएटिव है और अभी भी हर बीमारी में 10 से 15 जन जुड़ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 3 महीने में 250 ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और फिर और ग्रुप बनाते रहेंगे। अगर डिप्रेशन का एक ग्रुप 256 का जो व्हाट्सएप का लिमिट है अगर पूरा हो गया तो हम लोग दूसरे ग्रुप बनाते रहेंगे। और रही बात कुछ ट्रिप्स की, तो हमें क्या टिप्स देंगे जो आपके फैंस है जिसके मेंटली जो है उसके ऊपर क्या टिप्स देंगे और डेली लाइफ की हेल्थ के लिए क्या टिप्स देंगे आप? मैं तो एक टिप दूंगा कि हर आदमी को याद रखना चाहिए कि वो पैदा क्यों हुआ है। मेरे हिसाब से हर इंसान पैदा हुआ है मज़ा करने के लिए, मगर आज के दिन हर आदमी हर चीज़ को सीरियस ले रहा है, पढ़ाई में सीरियस है, काम करने में सीरियस है, हर पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं उसको सीरियस लेता है, हर चीज़ को लेट गो करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। आजकल शायद वो तो चीज़ भूल चुके हैं, बट आप क्या बोलना चाहेंगे? तो एंजॉयमेंट, और मोस्ट ऑफ हम लोग ने केसेस देखे हैं कि अगर पेरेंट्स कुछ बोल दे तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और कुछ भी हो तो मतलब आजकल फैमिली को डराने की बात चलते, तो इस जो ऐसे सोचने वाले हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली बात तो
जो जिसका माइंड वीक होता है और जो दुखी होता है वही ये सब चीज़ करता है। और ज़्यादातर लोग इनिशियली धमकी देने के लिए करते हैं, मगर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है और बेवकूफ़ों की ज़िंदगी रहती है कईयों की, तो लोग कर भी लेते हैं। और मैं तो बोलूँगा ये बेवकूफ़ी ज़िंदगी है, क्योंकि समझते नहीं सुसाइड करने से होगा क्या, वापस पैदा होना पड़ेगा। अभी इतने सारे ऐसे बोलते हैं 84 करोड़ जीवन के बाद में यह मनुष्य जीवन मिला है, अब वापस वो वापस जानवरों की ज़िंदगी में जाने की बात कर रहे हैं। वो भगवान बोलेगा तेरे को इतना अच्छा मौका दिया कुछ यू नो अच्छा कुछ करने के लिए, तो कोई लायक ही नहीं है, वापस उसको कोई जानवर बना देगा उसको। तो लास्टली आपके जो पेशेंट्स हैं और दर्शक हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज वही है कि लाइफ बेसिकली एंजॉय करो, जो भी चीज़ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आपके साथ जो भी कुछ एक्सेप्ट करो, और पुरानी बातों को भूलो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग पुरानी बातों को भूलते नहीं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पागलपन में सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की लाइफ में जितने फेल्यूर हैं रिजेक्शन जो है वो लोगों को भूलते नहीं, अपने आप भूलते नहीं। वो यही मैसेज रहेगा कि जैसी लाइफ है एक्सेप्ट करो। ऐसे बोलना चाहिए कि रिजेक्शन को भी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, यस फेल्यूर को भी एक्सेप्ट करो, इसमें से भी कुछ सीखने के लिए सीखो, इसमें से कुछ भी। थैंक यू सो मच सर इतने कीमती वक्त देने के लिए हमें, एंड आपकी जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो ये थे वर्ल्ड के पहले डॉक्टर जो बिना मेडिसिन के मेंटल पेशेंट को ठीक करते हैं। तो डॉक्टर कैलाश मंत्री के साथ आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर से बताइए, और देखते रहिए राइट मिरर। थैंक यू। अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।